हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं किस पोंजी स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई साहब हैं, हमारे एक मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उन्होंने कमेंट करके बताया कि 42,000 करोड़ का नुकसान करके ये जो MTFA नाम की पोंजी स्कीम चल रही थी वो भाग चुकी है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, इस पर पहले भी रिसर्च कर चुका हूँ, कई बार लाइव सेशन में बता चुका हूँ, कई बार इंडिविजुअली इंस्टाग्राम पे भी लोगों को बताया है कि इस तरह की जो ऐप्स होती हैं इनकी पूरी कार्यशैली पर अगर आप नजर डालें तो ये पूरी तरह से फ्रॉड नजर आता है, जिसको कि जेन्युइन दिखाने की पूरी कोशिश की जाती है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं MTFA की। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। MTFA क्या है? MTFA जो है वो मेटावर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सचेंज के नाम पर परोसा गया आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले। तो ये स्कैम आज नहीं शुरू हुआ है, ये लगभग 1.5-2 सालों से चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा दावा किया जाता है कि इस ऐप में रजिस्टर करने के बाद आप तमाम तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो में भी आप जो है यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये ट्रेडिंग जो है आपको खुद नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने असेट्स बनाने हैं और उन असेट्स के बदले आपको डेली बेसिस पर कुछ परसेंट का मुनाफा दिया जाएगा। और ये मुनाफा जो है वो 30 से 50% मंथली के प्रॉफिट का भी दावा किया जाता है इस AI ट्रेडिंग के माध्यम से। तो ये जो AI टर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बताया गया कि इसका इस्तेमाल करके इनका जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म खुद ट्रेडिंग करता है, आपके पैसे लगाता है। कहाँ लगाता है? मार्केट में लगाता है। और उसका जो मुनाफा होता है वो आपको दिया जाता है। सुनने में जेन्युइन लग रहा है, AI भी आया है, सबको पता है AI बूमिंग में है और AI कुछ भी कर सकता है, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या AI ट्रेड कर सकता है? अभी भी इस पर सवालिया निशान है। लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? इस तरह की फ्रॉड कंपनीज जो कि पोंजी स्कीम चलाती हैं और आपका पैसा ठगने का पूरा प्रोग्राम बना करके आपके सामने इस तरह की स्कीम परोस देती हैं। और वो कहा जाता है ना कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, एक गाना है। तो इस बात को लगता है हिंदुस्तानियों ने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। विक्टिम बनने में सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी नाम की जो लाइन है उसको चरितार्थ किया है हमने और आपने मिलकर, जो कि बहुत ही आसानी से इस तरह की कोई भी स्कीम चाइना में बैठे हुए लोग यहाँ पर लाके चिपका जाते हैं और आप उसको खरीद लेते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए आंख बंद करके इन्वेस्ट करके आ जाते हैं, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी वर्चुअल दुनिया परोसी जाती है, ऐसे प्रॉफिट्स दिए जाते हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और आप इस तरह की स्कीम्स में पड़कर अपना पैसा गंवा देते हैं। अब MTFA क्या दावा करता है? ये दावा करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ MTFA के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना है और उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो है वो $26 की है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट $50,000 की भी हो सकती है है। और ये सारे अलग अलग लेवल हैं। अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस लेवल पे होंगे, इतना करते हैं तो इस लेवल पे होंगे। तमाम तरह के और बोनसेस दिए जाते हैं, बीच बीच में iPhones भी बांटे जाते हैं और कई तरह के बोनस दिए जाते हैं लोगों को इनकरेज करने के लिए, और यहां तक कि CEO तक अपॉइंट किया जाता है उन लोगों को जिनकी बड़ी टीम बन जाती है। जी हां, इस कंपनी का दावा है कि पूरे विश्व में 2000 से अधिक इनके ऑफिस हैं और 150 से अधिक ऑफिस तो इंडिया में हैं, और ये जो ऑफिस हैं वो इनके CEO चला रहे हैं। CEO किसके? MTFA के, जो कि एक फर्जी कंपनी है। और इनके हिसाब से जो कंपनी है वो टोरंटो में रजिस्टर्ड है, कनाडा में रजिस्टर है और वहीं से बैठे बैठे पूरे विश्व में इनका व्यापार चल रहा है। हाल ही में श्रीलंका का जो IPL है उसको भी MTFA ने स्पॉन्सर किया था, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहां से भी आपको भ्रम में डालने के लिए, आपको विश्वास में लेने के लिए इस तरह की चीजें भी आपके सामने परोसी जाती हैं, ताकि आप विश्वास में आ जाए कि हाँ यार, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऐसी जगह पर मौजूद है तो ये सच ही होगा। एक तो श्रीलंका की भुखमरी आपको पता होगी, अब वहां पर कोई IPL हो रहा है उसको कोई सामने से जाकर पैसा दे रहा है तो क्या वो ये पूछेगा कि भाई साहब आप जेन्युइन हो कि फेक हो? क्योंकि जेन्युइन दिखने का तो उसने पूरा पूरा इंतजाम कर रखा है। इसके लिए उन्होंने गूगल के प्ले स्टोर पर भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ये दावा किया जाता है कि देखो भाई साहब, हम अगर जेन्युइन नहीं होते, हम अगर फेक होते तो क्या हम गूगल के प्ले स्टोर पर इतने साल से टिके होते?
बिल्कुल इसके पीछे भी एक कारण है और वो कारण आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बताने वाला हूं, क्योंकि जितने भी सो कॉल्ड प्रमोटर्स हैं जिन्होंने आज तक MTFA को धड़ल्ले से प्रमोट किया, पहले उसमें प्रॉफिट दिखा दिखा करके कि इतना प्रॉफिट होगा बोल करके उन्होंने लोगों को वहां पर लूटने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां पर जाकर के रोज तरह तरह के अपडेट्स डाले, वहां से रेफरल बोनस कमाया, बड़ी टीम बनाई, अपने पैसों से भी प्रॉफिट लिया और साथ में टीम के पैसे भी वहां फंसवाए। और आज का समय ऐसा है कि कंपनी भाग गई करके चिल्ला रहे हैं और अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गालियां पड़ने वाली हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनके कहने पर यहां पर जाकर इन्वेस्ट किया था वो आज पैसे डूब चुके हैं और ये पैसे कहीं से भी कहीं तक वापस मिलने की संभावनाएं नहीं है। तो जितने भी ये सो कॉल्ड प्रमोटर हैं, इन्होंने आपको जो भी विद्या सिखाई थी वो सारी झूठी थी। आपको सच्चाई मैं आज दिखाऊंगा कि जो MTFA है ये कैसे काम कर रहा था, या MTFA जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे टॉक के नाम पे एक आया हुआ है और भी तमाम सारे हैं जो हो सकता है नियर फ्यूचर में मैं आपके सामने लेकर आऊं, ये सारे प्लेटफॉर्म किस तरह से काम कर रहे हैं और तो और ये गूगल की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ये सिर्फ इसलिए लिस्टेड है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। जी हाँ, कोई ट्रांजेक्शन इस प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं हो रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने MTFA में पैसे लगाए तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। दरअसल इसमें क्या होता है कि MTFA में रजिस्टर कराने से पहले ये आपको बाइनेंस में अपना प्रोफाइल बनाने के लिए बोलते हैं, यानी कि जो भी पैसों का ट्रांजेक्शन है, जो भी पैसों का लेन देन है वो बाइनेंस के माध्यम से किया जा रहा है, ना कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये प्लेटफॉर्म एक डमी प्लेटफॉर्म है। तो अगर मूल रूप में देखा जाए तो जो भी पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? बाइनेंस में हो रहा है। आप क्या करते हो? बाइनेंस में जाकर पैसे लोड करते हो, यहां पर आप USDT बाय करते हो और जब आपको विड्रॉल चाहिए होता है तो वो विड्रॉल भी आप बाइनेंस से लेते हो। मेटावर्स यानी कि MTFA कहीं भी ट्रांजेक्शनल तौर पर इन्वॉल्व ही नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि कंपनी के भागने के बाद हम शिकायत करेंगे तो क्या हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, तो मेरा जवाब है नहीं, इसकी कोई शिकायत नहीं हो सकती। आप कहीं पर जाके कोई भी शिकायत करेंगे आपका पैसा आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व ही नहीं है, बैंक्स इन्वॉल्व ही नहीं है। इन्वॉल्व कौन है? ये एक्सचेंज इन्वॉल्व है और वो एक्सचेंज भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। आप क्या करते हो? आपको बताया जाता है कि सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है MTFA में। MTFA में अकाउंट बनाने के बाद आपको एक वॉलेट का एड्रेस दिया जाता है। वॉलेट का एड्रेस क्या होता है? दरअसल वो एड्रेस स्कैमर का वॉलेट एड्रेस है। स्कैमर का अपना अकाउंट है बाइनेंस का या किसी भी क्रिप्टो वॉलेट का, उसने अपना एड्रेस आपके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दिया और आपको बताया कि MTFA में आपको $26 का रिचार्ज करना है। आपने डाला कि आप $26 का यहाँ पर रिचार्ज करना चाहते हैं। अब वो $26 के अगेंस्ट में आपको एक वॉलेट एड्रेस दे देता है कि इस वॉलेट एड्रेस को उठाइए और उसके बाद अपने बाइनेंस के अकाउंट में जाइए और वहां पर विड्रॉ करिए। विड्रॉ कब करेंगे आप? क्योंकि आप पहले वहां जाकर के USDT खरीदेंगे जो कि आप होल्ड कर रहे हैं। तो आपने मान लीजिए कि वहां पर $26 की जो USDT है वो वहां पर बाय कर रखी है। अब आप इनके जो क्रिप्टो वॉलेट में अपने बाइनेंस में जाकर के उस $26 को ट्रांसफर करते हैं। समझ रहे हो आप? यानी कि स्कैमर तक पैसा जो है वो बाइनेंस के थ्रू पहुंच चुका है। उसके बाद स्कैमर आपसे कहता है कि इतना समय लगेगा आपके प्लेटफॉर्म पर अपडेट होने में। अब बताते हैं कि मैंने जो है यहां पर जाकर के वॉलेट ट्रांसफर कर दिया है। अब ट्रांसफर हो चुका है बाइनेंस पे। अब बाइनेंस के ट्रांसफर को वहां पर कंफर्मेशन किया जाता है। कहां पर? स्कैमर के एंड पे। फिर वो क्या करता है? वो आपके MTFA लॉगिन में, आपके MTFA प्लेटफॉर्म में, जो कि एक फर्जी प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर के वो पैसे, वो USDT दिखा देता है कि आपका यहां पर $26 आ चुका है। समझ रहे हो आप? तो यानी कि वो जो $26 था वो MTFA में था ही नहीं, आपने सीधा ट्रांसफर किया है स्कैमर को। समझ रहे हो? उसके वॉलेट एड्रेस में किया है। अब यहां पर $26 हो चुका है। उसके बाद खेल शुरू होता है। खेल कैसे शुरू होता है? वही प्रतिदिन आपको $0.5 या $1 जो भी आपका रेशियो है, जिस लेवल पर भी आप हैं, वो आपके बढ़ते हुए वहां दिखाई दिए जाते हैं। फिर आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है जो कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है। वहां पर आपको बड़े बड़े इनकम दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी जूम मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें कि तमाम लोग कनेक्टेड रहते हैं और वहां पर आपको सिखाया जाता है कि आपको टीम बनानी है। अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो आप बड़ा नहीं कमा सकते। अगर आपको लाखों करोड़ों में कमाना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। आप क्या करते हैं? आप जुगत में लग जाते हैं टीम बनाने की। फिर आप क्या करते हैं? आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को बताते हैं कि MTFA एक प्लेटफॉर्म है और वो बेचारे जो
खोखला एक प्लेटफॉर्म है MTFA का, वहीं पर अपने नंबर अपडेट देखते रहते हैं कि अरे मेरा आज इतना हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट तो आएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर वो प्रॉफिट देंगे नहीं तो आप अगला पैसा लगाओगे नहीं, और पैसा यहाँ कितने तक लगा सकते हो आप, $50,000 तक लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है वहां पैसे लगाने की। अब देखते हैं कि पैसे निकासी की प्रक्रिया क्या होती है। अब आपको पैसे निकालने हैं तो सबसे पहले आपका दिखेगा असेट में कितना पैसा है। मान लीजिए कि आपके असेट में $1,000 है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने MTFA प्लेटफॉर्म पर असेट से निकाल करके पैसा वॉलेट में डालना है, और यहां पर भी कुछ लिमिट होती है कि पर डे आप सिर्फ इतना ही विड्रॉल कर सकते हैं। आपके वॉलेट में वो आता है। वॉलेट में आने का मतलब क्या है, वॉलेट में आने का मतलब ये है कि जब आप विड्रॉल मांगते हैं कि वो जो स्कैमर है वो कहीं और से अरेंज करके $25 का जो आपको वॉलेट एड्रेस है वो वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि जब आप अपने बाइनेंस में आकर के इस्तेमाल करते हैं तो वो पैसे जो आप विड्रॉल कर रहे हैं वो USDT वो आपको अपने बाइनेंस में दिखाई देने लग जाती है। यानी कि वहां पर भी वो आपसे समय लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके असेट से सीधा आपके वॉलेट में ट्रांसफर होता है। वो समय इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां पर इंतजाम किया जाता है उस $25 के क्रिप्टो को किसी स्कैमर या किसी और आपके जैसे ही बंदे ने जिसने खरीदा हो उसका एड्रेस वहां चिपकाने में। जब वो एड्रेस वहां डाला जाता है, वो टोकन वहां डाला जाता है, उस टोकन को आप रिडीम कर रहे हैं अपने बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे, समझिए बात को। तो वो टोकन अगर वो कोई बाहर भी बायर होता, अभी प्लेटफॉर्म को साइड कर दो, वो वैसे भी आपको टोकन दे देता कहीं से भी, आपको टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, तो भी आप उसको अपने बाइनेंस पर भुना सकते थे, यानी कि उस USDT को आप रिडीम कर सकते थे। जैसे ही आप रिडीम करेंगे, प्लेटफॉर्म कॉस्ट निकालने के बाद में उतने पैसे यानी कि उतने USDT आपको आपके बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे दिखने लग जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बाइनेंस में आपको फिर से खरीदार ढूंढना है जो कि आपका USDT बाय कर सके। फिर आप मार्केट में जाते हैं, आप बताते हैं कि मैं 26 USDT बेचना चाहता हूं या 50 USDT बेचना चाहता हूं, और फिर कोई खरीदार मिलता है और फिर P2P के थ्रू वो आपको पैसे ट्रांसफर करता है और आप उसको USDT ट्रांसफर कर देते हैं, तब जाकर के ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो यहां पर जो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ आपने बाइनेंस में पैसे अपलोड किए उसमें हुआ, और फिर आपको जो पैसे आए, अब आपको पैसे किसने दिए पता है, आपको पैसे दिए किसी तीसरे बायर ने जिसने कि जेन्युइनली आपका USDT बाय किया था। समझ रहे हो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां जो MTFE है उसका रोल कुछ भी नहीं है, वो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए एक डमी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सारी कैलकुलेशंस भिड़ाई जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स आपके सामने फेंके जाते हैं। बांग्लादेश में भी ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, बताया जा रहा है कि देखो बांग्लादेश में हम स्कूल लगा रहे हैं अपना, और उसके अलावा किसी का अकाउंट दिखा दिया जाता है कि इसमें 3.5 करोड़ रुपए हैं। तो इस तरह की चीजें दिखा दिखा करके आपका ब्रेन वॉश किया जाता है और आपको इस स्कैम में शामिल कर लिया जाता है। अब ये लंबी ऐप चल गई, लगभग 1 से 1.5 साल चल गई। इंडिया में उन्होंने तमाम सारे CEOs बना दिए। ये देखिए आप, इन्होंने अपना एक आलीशान ऑफिस तय कर लिया है MTFA का, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना इस कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है और ना ही इस कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कभी किसी के सामने आता है। ये सब की सब व्यवस्था जो है वो फर्जी तरीके से चलाई जाती है। शुरुआत वही होती है, सबसे पहले एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, उसको कन्विंस करो कि इस ऐप में पैसे मिलते हैं, आप अपनी टीम बनाओ। अब वो इन्फ्लुएंसर अपनी पूरी कोशिश करता है कि यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े, बावजूद इसके कि वो ये जानता है कि एक फर्जी ऐप है, वो उसको प्रमोट करता है क्योंकि उसको मोटे पैसे पहले ही मिल चुके होते हैं और बाद में उसको रेफरल मनी का भी लंबा चौड़ा वादा किया जाता है, जैसा कि मुझको भी तमाम इस तरह की कंपनीज रेफरल मनी के नाम पर अप्रोच कर चुकी हैं। अब यहां पर क्या होता है, वो तो अपना प्रॉफिट बना लेता है लेकिन वो अपने नीचे लोगों को जोड़ता है, उसके बाद संभावनाओं का समुद्र खोला जाता है। आपको अलग अलग जूम मीटिंग में ले जाया जाता है और वहां पर अलग अलग लीडर से मिलाया जाता है, फिर आप में से ही कुछ लोग जिन्होंने की बड़ी टीम बना ली होती है उनको CEO बना दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना दफ्तर खोलिए, आपको एक फंड दिया जाएगा। ये सब फंड कहां से आ रहा है, ये वहीं से आ रहा है जो लोग आज अपना पैसा खो चुके हैं, वो सारा पैसा उन ऑफिस खुलने में लग गया, वो सारा पैसा उन लोगों को प्रॉफिट देने में लग गया जिन्होंने इनिशियल डेज में इस तरह की कंपनीज को ज्वाइन किया था। और एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन ये कंपनी भागेगी जिन लोगों को आपने जोड़ा होगा वो आपको कोसेंगे, वो आपको इसका दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उस कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव
कोई भी फेस यहां पर मौजूद नहीं है। पता नहीं कैसे आप किसी भी फॉरेन कंपनी जो कि अपने आप को फॉरेन की दिखा करके यहां पर आती है और आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको कुछ प्रॉफिट दे दिया, कुछ चिल्लर आपके सामने फेंक दिए। तमाम लोग चैरिटी कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर, MTFA क्यों? करना कुछ नहीं है। लोग मुझसे लड़ते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मुझे कहते हैं भाई लोगों का चूल्हा चल रहा है इससे तुमको क्या तकलीफ है। कल ही किसी ने कमेंट किया था कि लोगों का चूल्हा जल रहा है, STA का जो ऐप था जिसमें कि कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, मैंने उसका एक न्यूज दिया था, वो न्यूज मैंने न्यूज़पेपर से उठा के डाली थी। अगर वो सब कुछ सही है तो लोग अरेस्ट क्यों हुए? क्योंकि STA टोकन जो था उसके लोग यहां पर थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर थे, तो उनको अरेस्ट किया गया। MTFA में भी कोई अरेस्ट होना होगा तो कौन होगा? जिन्होंने ये ऑफिसेस खोल के रखे हैं, ये जो 150 CEOs हैं जिन्होंने कि MTFA का बोर्ड लगाया है बकायदा विद एड्रेस, ये CEO का केबिन, ये ट्रेनिंग रूम जहां पर इतने इतने लोग बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो किसको जानते हैं MTFA के फेस के तौर पर? आपको जानते हैं। तो फंसेगा कौन? आप फंसेंगे। और ये ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, YouTube पर जाइए। ऐसे यूट्यूबर्स ने अपने तमाम वीडियोस वैसे डिलीट कर दिए हैं और नए वीडियो जो भाग गई करके व्यूज पाने के लिए बनाए हैं उसके नीचे भी आप जाकर देखोगे तो कमेंट्स को ऑफ कर दिया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह की फ्रॉड कंपनी से कमाए हुए पैसे से आपका घर चल रहा है या उन हजारों लाखों लोगों का घर चल रहा है जिन्होंने इनिशियल डेज में इसको ज्वाइन कर लिया था, तो भैया घर तो चोरी चकारी से भी चल सकता है, जाइए किसी का गला काट दीजिए। और ये जो कंपनीज हैं ये बेवकूफ बना रही हैं। अभी भी ट्विटर पे लिखा जा रहा है कि विड्रॉल 22 तारीख के बाद आएगा, हमारा कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हमारे प्लेटफॉर्म में जो नेगेटिव शो कर रहा है वो जल्दी ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये भी बोलेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म हैक हो गया, वो इसलिए किया जाता है ताकि आपको समय दिया जा सके, आप ज्यादा पैनिक ना हो, एक साथ इतनी सारी न्यूज एक साथ बाहर निकल कर करना है और उनको आराम से एग्जिट का रास्ता मिल जाए। आपको बता देता हूं कि जो प्रमोटर्स कल तक यानी 3 दिन पहले तक जब तक कि इसका विड्रॉल नहीं रुका था तब तक MTFA को प्रमोट कर रहे थे, आज उन्होंने एक नया ठिकाना ढूंढ लिया है। कोई टॉर्क को प्रमोट कर रहा है तो कोई पावर डैप को प्रमोट कर रहा है। तो इस तरह की फर्जी ऐप्स रोज आती रहेंगी और आप जैसे मासूम लोग इसका शिकार बनते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में। तो आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, इस तरह की पोंजी स्कीम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद तो पढ़ते ही हो, साथ में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसमें फंसाते हो और जब ये कंपनी भागती हैं तो हजारों लाखों लोगों को दर्द दे जाती हैं और इस दर्द से मैं रोज रूबरू होता हूं। आपको बता देता हूं कि रोज कोई ना कोई मेरे पास आता है। अभी कल ही मुझे बताया किसी ने जूपी में लूडो खेलकर किसी ने 13 लाख रुपए गवा दिए, समझ रहे हो आप? तो ये कोई आसान चीज नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्रमोट करते हुए देख लिया और आपने मान लिया कि हाँ ये तो सही होगा, जबकि नीचे वो स्टार मार्क में लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, जैसे कि गुटखे तंबाकू और सिगरेट में लिखा होता है ना, ठीक वैसी ही जिम्मेदारी ये भी स्टार मार्क डाल के कर देते हैं कि भैया अपनी सोच समझ के हिसाब से पैसे लगाना। ठीक है, तो अगर सोच समझ के हिसाब से लगाना है तो प्रमोट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमको कमाना है इसलिए प्रमोट कर रहे हो। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए स्कैम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा और दोस्तों रिश्तेदारों को अगर इस तरह के स्कैम से अलर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।